और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के बाद अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मैनेजमेंट में ध्यान केंद्रित कर इवन आज पर मैं एक घड़ियाड़ जो ये घड़ियाड़ मतदार ने लगातार एलर्ट करे तमारू मतदान थयू अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाड़ अवेलेबल छे। तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजी नो भरपूर उपयोग कर्यो छे। अने हुं तो मीडिया ना मित्रों ने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्रकारों से बातचीत में पीएम मोदी ने एक बार फिर से लोगों से मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने वोट करने की अपील एक बार फिर से देशवासियों से की है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने लोगों से भी वोट करने की अपील की।